welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel. So as in the title, in today's video, I will do the maintenance of my Activa. This is the first time I'm bringing my Activa in front of you guys. So ये Activa मेरे dad और मेरी wife use करती थी. तो इसमें अभी कुछ problem face कर रहा हूँ. That one I'm going to rectify, get the part replaced. So I just thought, why not I share the same things with you guys. What are the things I'm going to change and what are the things are not working on this Activa? Let me show you. So friends, ये है odometer cable, that is the speedometer cable. Actually the Activa currently clocked 33,000 और suddenly कल से इसका speedometer चलने का बंद हो गया है. Also इस bike की front headlight नहीं चल रही है, so that's why I brought the H4D bulb. So ये डाल दूंगा. Also ये है bulb of this tail light, so tail light भी नहीं चल रही है, so वो भी change कर दूंगा. So these are the three works I'm going to do on my Activa. फ्रेंड्स की ऑन कर दी मैंने, अभी आपको दिखा देता हूँ ब्रेक लाइट चल रही है क्या नहीं. ये देखिए ब्रेक दबा रहा हूँ मैं, ब्रेक लाइट नहीं चल रही है. सो आप देख सकते हो ये ऐसे बल्ब रहता है जिसके अंदर दो वायर्स रहती है, एक फॉर ब्रेक लाइट एंड अदर फॉर द डेट लाइट. जब हम रात को ऑन करते हैं तो उसके लिए एक कॉन्स्टेंट ऑन रहेगी और दूसरा जब हम ब्रेक दबाएंगे. सो लेट मी शो यू ये बल्ब चेंज कैसे करते हैं. सो फ्रेंड्स अभी रिमूव कर देता हूँ. ये रहा बल्ब पुराना वाला, इसको पुश करके रिमूव कर दिया. आप देख सकते हो ये बल्ब टोटल काला हो चुका है एज़ कम्पेयर टू दिस न्यू वन. ये नया बल्ब है और ये बल्ब पुराना, तो इसको बाजू में रख देता हूँ. नाउ लेट इंसर्ट दिस वन. आप देख लीजिए जैसे होल्डर रहता है उसके अंदर इसको जस्ट पुश कर लेना है. ये पुश हो गया, अभी चेक कर लेता हूँ बल्ब चल रहा है कि नहीं ब्रेक दबा के. आप देख सकते हो ब्रेक दबाने के बाद बल्ब जो ग्लो हो रहा है. तो 20 बल्ब को वापस अंदर पुश कर लेते हैं उसकी जगह पे. अभी मैं ब्रेक दबा देता हूँ, ये देख लीजिए आप. तो फ्रेंड्स अभी करते हैं ये हेडलाइट बल्ब चेंज और ये स्पीडोमीटर केबल इंस्टॉल. इसके लिए ये और ये रिमूव करना पड़ेगा और बिफोर दैट ये दोनों मिरर रिमूव करने पड़ेंगे. लेट मी शो दैट. तो अभी ये मिरर रिमूव कर लेता हूँ. तो अभी ये भी मिरर रिमूव कर लेते हैं. ये भी मेरा रिमूव हो गया है. सो नाउ ये पोर्शन रिमूव करने के लिए हमें ये एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू यहाँ पे और ये स्क्रू यहाँ पे, फिर दूसरा एक स्क्रू यहाँ पे और उसके बाद एक स्क्रू यहाँ पे भी है इसके अंदर. सो सब रिमूव करने पड़ेंगे फॉरमजिंग द हेडलाइट. सो लेट्स रिमूव दिस स्क्रू. तो ये एक रिमूव हो गया, दूसरा वाला, तीसरा वाला, द फोर्थ वन. अभी रिमूव करते आगे वाला. फ्रेंड्स ये जो स्क्रू है बहुत, अगर ये वाइल निकालते निकल गया स्क्रू ड्राइवर में से तो सीधा नीचे चला जाएगा बैटरी कंपार्टमेंट में. सो यहाँ पे आप क्लोथ भी डाल सकते हो. सो फ्रेंड्स सारे स्क्रू रिमूव करके हो गए. नाउ लेट्स रिमूव दिस पार्ट. सो ये पार्ट बाहर आ चुका है. सो जो बल्ब है वो यहाँ पे है. दिस इज द H4 टाइप बल्ब विच कम्स इन एक्टिवा. नॉर्मल अपनी जिक्सर में भी सेम आता था जो हम लोगों ने चेंज किया था. अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा रहेगा तो अभी लिंक आई बटन में आई रहेगी, यू गाइस कैन चेक इट आउट. तो पहले इसका कनेक्शन रिमूव कर देना है. तो दिस इज़ द H4 कनेक्शन. अब इसकी कैप रिमूव कर देते हैं. दिस डस्ट कैप, ये रही डस्ट कैप और ये यहाँ पर रहता है लॉक. ये लॉक रिमूव हो गया. अब ये बल्ब डायरेक्टली बाहर आ जाएगा. तो आप अगर केयरफुली देखोगे यहाँ पर उसकी स्प्रिंग जो है टूट गई है, दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग. हाई बीम और लो बीम दोनों की स्प्रिंग टूट गई है. सो नाउ लेट्स इंस्टॉल द न्यू वन. सो अभी न्यू वन इंस्टॉल कर लेते हैं. ये हमारा न्यू वन, सेम टाइप का बल्ब है H4. इसको इंसर्ट कर लेते हैं. सो बल्ब उसकी पोजीशन पे चला गया. लेट इंस्टॉल दिस लॉक. ये लॉक लग गया. अब इसका पावर कनेक्शन दे देते हैं इसको. इसका पावर कनेक्शन भी ले गया. अभी क्या करते हैं ये पार्ट इस यहाँ पे इंस्टॉल करने से पहले आपको दिखा देता हूँ बल्ब प्रॉपरली कैसे चल रहा है करके. वैसे भी मुझको यहाँ पे स्पीडोमीटर की केबल भी चेंज करनी है. सो ये पोर्शन जो है ओपन ही रहेगा. सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो करेंटली लो बीम पे है. अभी मैं नाउ लेट मी स्विच इट ऑन हाई बीम. ये आ गई हाई बीम पे, ये लो बीम.
हाई बीम, लो बीम, दैट मीन अपना जो बल्ब है परफेक्टली लग चुका है। तो ये डस्ट कैप लग गई है और इसका कनेक्शन हो गया है। सो नाउ लेट्स चेंज द स्पीडोमीटर केबल। सो नाउ फ्रेंड्स, फॉर चेंजिंग द स्पीडोमीटर केबल हमको ये पोर्शन ओपन करना है। तो ये पोर्शन ओपन करने के लिए दो स्क्रू यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और बाकी ये स्क्रू अपोजिट साइड पे। लेट मी शो यू, देख सकते हैं एक स्क्रू यहाँ पे है, दूसरा स्क्रू जो यहाँ पे है। सो टोटल चार स्क्रू हमें रिमूव करने पड़ेंगे फॉर रिमूविंग द फ्रंट कवर। ये फर्स्ट स्क्रू रिमूव हो गया है। ये दूसरा भी रिमूव हो गया है। ये रिमूव हो गया है। सो फ्रेंड्स, अभी आप आगे का पोर्शन रिमूव कर लेते हैं। ये पोर्शन रिमूव हो गया है हमारा। सो फ्रेंड्स, अभी रिमूव करनी है ये स्पीडोमीटर की वायर। ये है स्पीडोमीटर की वायर, यहाँ पे लॉक रोटेट कर देते हो तो यहाँ से स्पीडोमीटर की वायर यहाँ पे चली जाती है। यहाँ से आके ये केबल, इस यहाँ पे दो होल है आप देख सकते हो, इस होल से यहाँ पे आती है। सो इसको भी पहले यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे टूटी तो नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ से हाथ से रोटेट कर ली मैंने। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से लूज हो जाती है कनेक्शन और उसकी वजह से भी स्पीडोमीटर चलना बंद हो जाता है। मगर एक्चुअली आपने देख ही लिया, ये मेरी जो एक्टिव है 33,000 चल चुकी है। सो आई डोंट थिंक यहाँ से लूज कनेक्शन हुआ रहेगा, इसकी जो लाइफ है वही ख़त्म हो रहेगी। दैट मीन ये केबल टूट गई रहेगी। नीचे की तरफ खींचना है और ऐसे लगना है। अब यहाँ पे टोटल थ्रेड रहते हैं, सेम थ्रेड नीचे की साइड भी रहते हैं, अनदर साइड जहाँ पे व्हील है। तो जैसे व्हील रोटेट होता है वैसे ये तार जो अंदर की तरफ गोल गोल घूमती है, और जैसे ये तार गोल घूमती है तो अपना स्पीडोमीटर चलने लगता है। दैट मीन द किलोमीटर एंड स्पीडोमीटर स्टार्ट हो जाता है। सो ये बेसिक फंडा है बिहाइंड दिस स्पीडोमीटर केबल। अभी हमें देखना है अगर ये केबल टूट गई यहाँ पे तो इसको खींच के देख सकते हैं। अगर आप खींचने के बाद अगर इस केबल टोटली बाहर आ जाती है तो आप समझ जाना ये केबल कहाँ पे तो टूट गई है। देख लीजिए केबल टोटली बाहर आ गई है, दैट मीन ये केबल कहाँ पे तो शॉर्ट हो गई है, टूट गई है, इसीलिए स्पीडोमीटर चलना बंद हो गया है। सो यहाँ से रिमूव हो गई है। नाउ लेट्स रिमूव एट टायर एंड। सो फ्रेंड, जैसे बता दिया मैंने, ये केबल है ये जो ऊपर की तरफ, ये दोनों कॉम्बी ब्रेक की केबल्स है, फ्रंट ब्रेक, और ये है स्पीडोमीटर केबल। सो इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक लॉक रहता है, उसको अंदर की तरफ पुश कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली केबल बाहर आ जाएगी। तो इसको मैंने पुश कर लिया, देख लीजिए लॉक में से रिमूव हो गई है और ये अपनी केबल। सो अभी इसको खींच के देखते हैं कहाँ पे टूटी है। आप प्रॉपरली देख सकते हो यहाँ पे थ्रेड है, आप दिख रहे हैं थ्रेड। सो ये सेम थ्रेड रहता है दोनों साइड पर। सो इसको खींच के देख लेता हूँ, ये देख लीजिए। तो ये जो केबल है यहीं पे टूट हो गई थी इस बैंड के यहाँ पे, नॉर्मली यहीं पे टूट जाती है फॉर ऑल द एक्टिवास केबल। सो अभी हमें ये टोटल केबल रिमूव करनी पड़ेगी। तो अभी ये केबल खींच लेता हूँ मैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये है मीटर केबल फॉर एक्टिवा, दिस इज़ द लोकल ब्रांड। तो दिस केबल कॉस्ट मी अराउंड 90 रुपीज़, यहाँ पे 127 रुपीज़ है, बट इट कॉस्ट मी अराउंड 90 रुपीज़। ये रही अपनी स्पीडोमीटर केबल, सेम फंडा है, इसके अंदर वायर है जो यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्लियरली दिया गया है डू नॉट यूज़ ग्रीस एंड ऑयल। तो आप देख सकते हो नॉर्मली पुरानी जो केबल आती थी उसके ऊपर ग्रीस यूज़ करना पड़ा था, ये केबल ऑलरेडी लुब्रिकेटेड है। फ्रेंड्स, ये देखिए इतनी बड़ी अंदर की केबल रही थी, ये टूट गई थी, दैट्स व्हाई स्क्रू का नहीं चल रहा था। फॉर यू गाइस आई रिमूव दिस लेट टू रेड बैंड, ये गई अपनी जगह पे। यहाँ पे केबल गार्ड दिया गया है तो उसके अंदर से डालना है, और एक गार्ड यहाँ पे नीचे की तरफ है उसके अंदर से लेके जाना है केबल। ये अपनी नई वाली केबल है, इसको डालना है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे होल है इस मड गार्ड को, उसके अंदर से डालनी है केबल। ये गई अपनी केबल, नीचे आ गई, इस गार्ड के अंदर से ले लेते हैं, पुश कर लेते हैं। ये लॉक में खटक खटक करके आवाज़ आ गई, अभी लॉक में चली गई है। अभी खींच लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं खींच रहा हूँ बाहर नहीं आ रही, लेकिन ये लॉक में परफेक्ट गई है। तो अभी ये ऊपर की तरफ से केबल यहाँ पे कनेक्ट कर लेनी है, ये अंदर की तरफ चली गई, और अब इसका लॉक लगा देता हूँ। ये कंप्लीट लॉक हो गई है फ्रेंड्स, केबल तो अपनी लग गई है दोनों की तरफ। तो अभी ये कवर वापस लगा देता हूँ, नीचे का कवर भी वापस लगा देता हूँ, मिरर लगा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ स्पीडोमीटर चल रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अपने दोनों मिरर लग चुके हैं,
आगे का कवर लग चुका है, ये कवर लग चुका है। नाउ अभी देख लिया आपने बाइक बहुत गंदी है, सो नाउ लेट्स गो टू वॉश सेंटर एंड वॉश दिस एक्टिवा। सो फ्रेंड्स ये व्लॉग यहीं पे करते हैं, फिनिश। आप लोगों ने देख ही लिया तीनों पार्ट रिप्लेस करके हो गए और सब परफेक्टली चल रहा है। सो इट्स टाइम टू क्लोज दिस व्लॉग। सो इन केस आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा रहेगा, यूजफुल लगा रहेगा, तो यार आप लोगों को तो पता है क्या करना है, जस्ट लाइक बटन दबाना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग स्टिल यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, देन आई रिक्वेस्ट टू प्लीज टू डू सब्सक्राइब, बिकॉज यू गाइज नो अपने चैनल पे ऐसे ही व्लॉग्स आते रहते हैं। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। तो अभी अपनी बाइक लेके जाते हैं वॉश को, तभी आपको दिखा देता हूँ बाइक का स्पीडोमीटर कैसे चल रहा है। सो फ्रेंड्स अपनी बाइक चालू हो गई, आप जो सभी ध्यान रखो स्पीडोमीटर कैसे चलता है। आप देख सकते हो स्पीडोमीटर 20 की स्पीड पे जा चुका है। फ्यूल गेज भी चल रहा है, स्पीडोमीटर भी चल रहा है, दैट मीन अपना काम सक्सेसफुल हो गया है। तो फ्रेंड्स अपनी बाइक सो गई है, दैट मीन आप देख सकते हो वॉश हो रही है, पूरा चकाचक कर लेते हैं उसको। फ्रेंड्स ये अपनी एक्टिवा चकाचक चमकने लगी।